ये पूरा रिटन लेटर ही है, आप देख सकते हैं, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ मेंशन है। और ये रिक्वेस्ट भी करी गई उर्फी जावेद से कि अपना नाम बदलें, क्योंकि अब कब्रिस्तान में उनकी जगह नहीं है। बिग बॉस OTT फेम उर्फी जावेद यूं तो अक्सर अपने कपड़ों के चलते सुर्खियों में नजर आती हैं और कई बार उनके कपड़ों को लेकर के काफी कंप्लेंट्स भी होती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एक्टर फैजान अंसारी का कहना है कि उर्फी जावेद को अपना नाम चेंज कर देना चाहिए। तो क्या ऐसे में उर्फी जावेद अपना नाम कर देंगे चेंज? आइए जानते हैं कि और क्या कुछ कहा है फैजान अंसारी ने उर्फी जावेद को लेकर के। हैव अ लुक एट दिस वीडियो गाइस। फैजान जी, आपने उर्फी जावेद पर जो सवालिया निशान उठाए थे, तो उर्फी जावेद अभी जो उन्होंने अपने कपड़ों के लेकर के जो भी वो करती हैं उसको लेकर के आपने कुछ सवाल उनसे किए थे, क्या कुछ जवाब आया उनकी तरफ से? देखिए, वो तो एक पुरानी बात हो गई है, लेकिन अभी मैं एक जुहू कब्रिस्तान आया हूँ और यहाँ पे मैंने अभी एक एप्लीकेशन दी है। जो भी यहाँ पे ऑफिस में जो बंदा मुझे मिला था, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं जो इस कब्रिस्तान के, और उनसे मैंने गुजारिश की है और एप्लीकेशन में क्लियर लिखी है कि अभी एक फतवा आ रहा है जिसमें क्लियर मेंशन है कि अभी उर्फी जावेद को हम लोग मुसलमान समाज कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उर्फी जावेद को कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। उसके लिए हम लोग ये फतवा का लेटर भी ला रहे हैं जो अभी पूरे सब जगह पे अभी आएगा, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी हम लोग लीगल प्रोसेस भी कर रहे हैं इसमें कि कुछ भी हो जाए उर्फी जावेद को कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, या तो अपना वो धर्म परिवर्तन करें या जो भी उनको करना है, क्योंकि किसी हर धर्म की वो इंसल्ट कर रही हैं, हर कम्युनिटी की इंसल्ट कर रही हैं, और ये बहुत शर्मनाक बात है पूरी मुस्लिम पूरे दुनिया के लिए। वो होती कौन है ये बोलने वाली, आप बताइए मुझे, उर्फी जावेद होती कौन है बोलने वाली? अब फैजान अंसारी उनके अगेंस्ट खड़ा है, अगर उनकी में हिम्मत है तो मुझको जवाब दें, लीगल एक्शन करें, जो करना है मुझे। अगर जेल जाना पड़ा तो भी फैजान अंसारी जेल जाएगा, लेकिन उर्फी जावेद को अब मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं और ये हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत शर्म की बात है। तो अभी तो हम लोग लीगल प्रोसेस कर रहे हैं, अभी कुछ भी हो जाए, उर्फी जावेद ने माहौल बहुत ख़राब कर दिया है, और मुंबई पुलिस से भी मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द उर्फी जावेद को अरेस्ट करें, कस्टडी में लें और उनके अगेंस्ट एक्शन लें, ताकि ऐसा गंदा माहौल फैलने से बंद हो। अभी फतवा आ रहा है, अभी उर्फी लीगली भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा ये है कि जल्द से जल्द उर्फी जावेद तुम अपना नाम बदल लो। आपको लिखित में कोई दिया है जी? ये पूरा रिटन लेटर ही है, आप देख सकते हैं, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ मेंशन है। और ये रिक्वेस्ट भी करी गई उर्फी जावेद से कि अपना नाम बदलें, क्योंकि अब कब्रिस्तान में उनकी जगह नहीं है।